कि फुटबॉलर? फुटबॉलर फुटबॉलर तो कौन सा तुम प्लेयर बनना चाहते हो? बीमार। आठ को इंग्लिश में क्या होता है? गाइस गाइस गाइस, आज ना आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो। मगर क्यों? क्योंकि भाई फाइनली यार, जिस चीज का आप लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार किया था, वो चीज आज सक्सेसफुल हुई है। क्या? क्या नहीं भाई, हाँ बोलो। क्योंकि फाइनली यार, हमारे इंडिया सर्वर के FF टोकन एक्सचेंज स्टोर के अंदर एक नया बंडल ऐड होने वाला है। एंड भाई, इस बार जो हमारे FF टोकन एक्सचेंज स्टोर के अंदर नया बंडल ऐड होगा, वो सच में बहुत ही कमाल का है। आप लोग चिंता मत करो, आज मैं आप लोगों को ये FF टोकन एक्सचेंज स्टोर के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। कब और कौन सा बंडल FF टोकन एक्सचेंज स्टोर में ऐड होने वाला है, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो से पता लगेगा। और फिर तो गाइस, आज की वीडियो में काफी सारे रेयर रेयर इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यार, आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले पर्पल शेड बंडल रिटर्न के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, बहुत जल्द हमारे इंडिया सर्वर के अंदर पर्पल शेड बंडल रिटर्न आने वाला है। साथ ही साथ यार, हम लोगों को फ्री में मेल बॉक्स के अंदर काफी तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। हाँ यार, डायमंड, बुया पास, इमोट और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग टेंशन मत लो। ये जो मेल बॉक्स के अंदर रिवॉर्ड आ रहे हैं, ये कैसे और कब आप लोगों को मिलेंगे, ये जानकारी भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अरे भाई, इतनी जल्दी वाओ मत बोलो यार, क्योंकि यार बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं जिनके बारे में तुम लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर यार, बस ये अपकमिंग इवेंट ही नहीं, आज तो मैंने आप लोगों के काफी सारे फनी फनी कमेंट्स को भी पिक कर रखा है। तो भाई, ये वीडियो नहीं, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का पिटारा है। और चलो यार, अभी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन के पिटारे यानी कि इस वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले पर्पल शेड बंडल रिटर्न के बारे में बताता हूँ। सो बेसिकली गाइस देखो, अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे फ्री फायर के पाकिस्तान सर्वर के अंदर कुछ इस तरीके का एक फिटेड व्हील आया था, जहाँ पर हमारा ओल्ड रेयर पर्पल शेड बंडल अवेलेबल था। हाँ बेसिकली गाइस, अभी जो स्क्रीन में आप लोग क्लिप देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार, मैंने इस क्लिप को फ्री फायर के पाकिस्तान सर्वर के अंदर से ही रिकॉर्ड किया है। अब खैर यार, क्योंकि ये पर्पल शेड बंडल पाकिस्तान सर्वर के अंदर रिटर्न आया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर भी 100% कंफर्म आएगा। बट गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी के टाइम पे हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर पर्पल शेड बंडल की PNG अवेलेबल है। एंड यार, ये तो पता नहीं, मैं तुम लोगों को हजारों करोड़ों बार बता चुका हूँ कि भाई, हमारे गेम की फाइल के अंदर ग्रीना जिस किसी भी आइटम की PNG ऐड करती है, वो आइटम बहुत जल्द हमारे गेम के अंदर किसी न किसी इवेंट में आ ही जाता है। तो अभी गाइस देखो, क्योंकि हमारे गेम की फाइल के अंदर पर्पल शेड बंडल की PNG अवेलेबल है, तो इतना 100% कंफर्म है कि बहुत जल्द हमारे गेम के अंदर पर्पल शेड बंडल रिटर्न पे आएगा। बट गाइस, मैंने हमारे गेम की फाइल के अंदर बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी, बट यार मुझे अभी हमारे गेम की फाइल के अंदर से पर्पल शेड बंडल का कोई भी कंफर्म इवेंट या कंफर्म डेट नहीं मिला है। हाँ बस यार, आज इतना कंफर्म हुआ कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर पर्पल शेड बंडल रिटर्न पे आने वाला है, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। बाकी धीरे धीरे यार, पर्पल शेड बंडल का कंफर्म इवेंट आएगा, कंफर्म डेट आएगा, तो मैं आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन भी वीडियो बना के बता दूंगा। मगर अभी तो गाइस, फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे मेल बॉक्स के अंदर आने वाले फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। जी हाँ, तो गाइस देखो, आप लोगों को याद होगा, पहले एक बुया एप्लीकेशन हुआ करता था, जहां पर हम लोगों को वीडियोस देखने पर, लाइव स्ट्रीम देखने पर ग्रीना फ्री में डायमंड्स वगैरह दिया करता था। बट यार, जब से फ्री फायर बैन हुआ, तो जो बुया एप्लीकेशन था, उसको भी कुछ रीजंस के चलते शट डाउन कर दिया गया। बट फाइनली यार, बुया ऐप की ही तरह आप लोगों को वापिस से फ्री डायमंड्स, फ्री रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। बट इस बार ग्रीना कोई नया ऐप लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि इस बार तुम लोगों को यूट्यूब के जरिए ही फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हाँ मतलब, जैसे तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो, और भले ही तुम लाइव स्ट्रीम ही क्यों ना देख रहे हो, तुम लोगों को भाई कुछ ड्रॉप्स मिलेंगे, जिन ड्रॉप्स से तुम्हारे अकाउंट के अंदर सीधा फ्री रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। बट यार, ये फ्री रिवॉर्ड्स को लेने के लिए भी आप लोगों को कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। हाँ मतलब, आप लोगों को अपने यूट्यूब को गेम से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को ये फ्री रिवॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे। तो चलो गाइस, फाइनली मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग यूट्यूब को गेम से कनेक्ट कर सकते हो और कैसे फ्री रिवॉर्ड्स को ले सकते हो। जी हाँ, तो गाइस देखो, जैसे कि अभी यूट्यूब पर मेरा अकाउंट खुला हुआ है, जिस अकाउंट से आप लोग वीडियो देख रहे हो, उज्जवल गेमिंग FF, यही चैनल मेरा इस यूट्यूब पर खुला हुआ है। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर आप लोगों को ये यूट्यूब के लोगो को सिलेक्ट करना है, मतलब अपने चैनल का जो लोगो रहता है उसको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर गाइस, आप लोगों को सेटिंग पे जाना है, देन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, इधर पे एक ऑप्शन है कनेक्टेड एप्स का। अब देखो, जैसे ही आप लोग ये कनेक्टेड एप्स में क्लिक करोगे, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। यहाँ पर पबजी मोबाइल है, क्राफ्टन है, ग्रीना है, एपिक गेम्स है, और भी बहुत सारे एप्स है। बट यार, क्योंकि फ्री फायर जो है ग्रीना का है, तो आप लोगों को ग्रीना के लोगो पे क्लिक करना है। फिर गाइस, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट करने का, आप लोग यार
यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट अकाउंट एंड वॉच अप्रूव्ड इवेंट एंड वीडियोस फॉर अ चांस टू विन इन गेम रिवॉर्ड्स। हाँ भाई, आप लोगों को वीडियो वगैरह देखने पर इन गेम रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यहाँ पर भी कंफर्म हो जाता है। खैर, जैसे ही फिर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा ये लोड करेगा, उसके बाद आप लोगों को फ्री फायर की एक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप लोग ऊपर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है FFX YouTube, यानी कि यार ये फ्री फायर और YouTube के कोलैबोरेशन की वेबसाइट है। एंड गाइस, आप लोग यहाँ पर देखो, इधर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फ्री फायर इंडिया का लोगो लगा है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स नहीं, फ्री फायर इंडिया का लोगो है। तो भाई देखो, इसको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत जल्द फ्री फायर इंडिया भी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि यार अगर फ्री फायर इंडिया नहीं आने वाला होता तो यहाँ पर फ्री फायर इंडिया नहीं बल्कि फ्री फायर मैक्स का लोगो होता, लोगो नहीं मतलब नाम होता। बाकी खैर गाइस, देखो इस इंटरफेस पे लिखा हुआ है कनेक्ट योर गरीना अकाउंट टू अर्न यूट्यूब लूट ड्रॉप्स, और फिर यहाँ पर फेसबुक, गूगल, VK, एप्पल ID और ट्विटर का लोगो है। जी हाँ, तो गाइस देखो, यहाँ पर सीधा आप लोगों को अपने इन गेम अकाउंट को कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये जो आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखोगे वहाँ पर से जो आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो फ्री रिवॉर्ड्स उसी इन गेम आईडी में जाएंगे जो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करोगे। जी हाँ, तो गाइस देखो, यहाँ पर सीधा आप लोगों को अपने इन गेम अकाउंट को कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये जो आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखोगे वहाँ पर से जो आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो फ्री रिवॉर्ड्स उसी इन गेम आईडी में जाएंगे जो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करोगे। तो अगर भाई तुम्हारा आईडी फेसबुक से कनेक्ट है, गूगल से कनेक्ट है, मैं इन गेम आईडी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग उसी को यूज कर लो। अब मेरा तो फेसबुक वाला आईडी है, तो मैंने फेसबुक पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर लिखा आ गया मेरा जो फेसबुक अकाउंट का नाम है। सो फाइनली गाइस देखो, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में, बट यार अभी देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा आ चुका है वॉच अप्रूव्ड इवेंट्स एंड वीडियो फॉर अ चांस टू गेट इन गेम रिवॉर्ड्स। अब मैं यहाँ पर इन गेम रिवॉर्ड्स पे भी क्लिक कर लेता हूँ, देख तो ले हमको क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, और हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें रिवॉर्ड मिलेगा कैसे। तो गाइस देखो, फाइनली यहाँ पर रिवॉर्ड गाइड ओपन हो चुका है, और अगर यार इसको आप लोग पूरा पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को ऊपर से बताऊं तो बेसिकली गाइस देखो, यहाँ पर गरीना ने लिखा हुआ है कि जो फ्री फायर ई स्पोर्ट्स है वो अपने ही लेवल में काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है। तो अगर आप लोग फ्री फायर ई स्पोर्ट्स को लाइव देखते हो तो उसके बीच में आप लोगों को कुछ ड्रॉप्स वगैरह मिलेंगी। बट गाइस देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के साथ साथ यूट्यूब के अंदर फ्री फायर रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने पर, लाइव स्ट्रीम देखने पर भी लूट्स मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर स्पेशली नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी फ्री फायर रिलेटेड वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, बट गाइस मुझे पार्टनर प्रोग्राम वाला एक बंदा बता रहा था कि जो लूट्स वगैरह मिलेंगी किसी की भी वीडियोस वगैरह को देखने पर मिलने वाली है। बाकी फिर गाइस यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपली बोला है कि जो भी लूट इनेबल्ड वाली वीडियो होती है या फिर जो भी लूट इनेबल्ड वाली लाइव स्ट्रीम होती है आप लोगों को उसको देखना है, और उस वीडियो के बाद सीधा आप लोग अपने इन गेम चेक कर लेना, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों को क्या लूट मिला है। भाई पहले ही बता दूं, लूट का मतलब है जो इन गेम आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। बाकी हाँ, ये रिवॉर्ड गरीना ने अभी प्राइवेट रखे हैं, किसी को रिवील नहीं किया कि आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीम वगैरह देखने पर क्या मिलेगा। बट खैर, जैसा कि यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो भाई यहाँ पर एक चीज गरीना ने साफ साफ लिखी है कि आप लोगों को ये रिवॉर्ड वगैरह वही वीडियो देखने पर, वही लाइव स्ट्रीम देखने पर मिलेगा जिसमें लूट इनेबल्ड होगा। बाकी गाइस देखो, अभी मैंने पूरा यूट्यूब चेक कर लिया है, अभी ये लूट इनेबल्ड ना तो कोई वीडियो अवेलेबल है और ना ही कोई लाइव स्ट्रीम। तो यार मुझे लगता है कि गरीना फ्री फायर इंडिया को जब लॉन्च करेगा उसी के साथ साथ हम लोगों को यूट्यूब पे लूट्स के ड्रॉप देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्री रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी अभी गाइस देखो, मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि कैसे आप लोग अपने यूट्यूब को इन गेम कनेक्ट कर सकते हो। तो यार आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट कर लेना। बाकी बात रही यार ये फ्री रिवॉर्ड्स की, तो भाई ये तो हम लोगों को तभी मिलेंगे जब फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा। बाकी अभी तक गरीना ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया है कि फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च होने वाला है। तो गाइस आज बस आप लोग अपने फ्री फायर को यूट्यूब से कनेक्ट कर लेना, बाकी आने वाले टाइम पे मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ और न्यूज मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। ऑलराइट गाइस, अभी तो फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई सच में यार, मैं तुम लोगों को ये यूट्यूब को फ्री फायर से कनेक्ट करना ही सिखा रहा था, इसी में कितना टाइम लग गया, 8 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है। बट क्या करूं यार, जब तक तुम लोगों को हर एक चीज में डिटेल से ना बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यही कारण है कि यार मैं हर चीज तुम लोगों को आराम से बताता हूं, बट उसमें टाइम बहुत लग जाता है। खैर फिलहाल तो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर फिलहाल गाइस, अभी मैं आप लोगों को FF टोकन एक्सचेंज स्टोर अपडेट के बारे में बता देता हूं। सो बेसिकली गाइस, अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो फीमेल बंडल गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, भाई यही वो बंडल है जो कि हमारे गेम के अंदर FF टोकन एक्सचेंज स्टोर में आने वाला है। मैं जानता हूं यार ये बंडल ज्यादा कुछ खास अच्छा तो नहीं है, बट भाई गरीना ने इसी बंडल को कंफर्म किया है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिलहाल गाइस, अगर अभी हम लोग बात करें कि ये बंडल कब हमारे FF टोकन एक्सचेंज स्टोर के अंदर ऐड होगा, तो यार देखो जो हमारा नेक्स्ट ओबी अपडेट आने वाला है उसी अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे FF टोकन एक्सचेंज स्टोर में फीमेल बंडल देखने को मिलेगा। तो देख लो यार, अभी इसको आने में तो बहुत टाइम है, बट क्योंकि गरीना ने इस बंडल को कंफर्म कर दिया था तो मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू करवा दिया। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये FF टोकन एक्सचेंज स्टोर का इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आज का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल यार चलो, अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में, जिन कमेंट्स को मैंने कल की वीडियो से पिक कर रखा है। जी हाँ, तो गाइस जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में बंदा लिखता है, मत ढूंढो
मुझे इस दुनिया की तनाई में, ठंड बहुत है, हम मिलेंगे अपनी रजाई में। भाई बिल्कुल सही बात है यार, इतनी ठंड है कि ये वीडियो बनाने के बाद मैं भी सीधा कंबल के अंदर जाऊंगा। बाकी खैर यार अभी ये सब छोड़ो और आप लोग स्क्रीन में अगला कमेंट पढ़ो, जिस कमेंट में बंदा लिखता है मेरे प्यारे भाइयों और उनके बहनों कि मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अरे उज्जवल भाई ठंड आ चुकी है, जुकाम से बच के रहियो। भाई ये कमेंट तो बहुत बढ़िया है, बट हाँ मुझे जुकाम पहले ही लग गया है, तो तुम लोग जरूर अपना ख्याल रखना और जरा स्क्रीन में अभी अगला कमेंट पढ़ना, जिस कमेंट में बंदा लिखता है उज्जवल भाई आपके लिए दो लाइन। अब यार देखो इतना कमेंट पढ़ के तो मैंने सोचा था शायद इस बंदे ने कोई इंस्पायरिंग दो लाइन लिखी होगी, मजा आ जाएगा, चलो पढ़ते हैं। बट यार जैसे ही मैंने रीड मोर में क्लिक करा तो यार इसने दो लाइन खींच रखी थी, इमोशनल डैमेज। भाई ये पढ़ के इमोशनल डैमेज तो बहुत हुआ था, बट फिर भी कोई नहीं, अभी आप लोग स्क्रीन में अगला कमेंट पढ़ो, जिस कमेंट में बंदा लिखता है मेरा कमेंट स्क्रीन पर दिखा दो प्लीज। और भाई देखो इस बंदे ने एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कमेंट करे थे, इसलिए यार मैंने इस बंदे का कमेंट स्क्रीन में दिखा दिया है। बाकी गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि कल की वीडियो में आप लोगों का भी कमेंट ऐसे ही स्क्रीन में दिखाऊं, तो भाई इसके लिए आप लोग आज की वीडियो के अंदर ढेर सारे कमेंट्स कर देना, क्योंकि यार आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मुझे आप लोगों का कमेंट दिखे और मैं उसे पिक कर सकूं। तो फटाफट जाओ अभी आप लोग कमेंट करो, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।